अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, चौधरी मुजाहिद यासीन फ्रॉम लाहौर, रियल एस्टेट +9232249299 फ़ोन नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया करें। मेरा फ़ोन अक्सर रोमिंग पे होता है, एक तो कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा सिग्नल जो है उसमें अक्सर इश्यूज आते हैं, वो कॉलें ड्रॉप हो रही हैं, मेरा फ़ोन ऑफ तक आता है, हालाँकि ऑनलाइन होता है, रोमिंग की वजह से नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी मैसेज मैंने आपको सबको देना था, जो मेरे जो क्लाइंट्स मोर देन 2-3 dozen जो हैं वो वेटिंग में हैं कि DHA मुल्तान नीचे आए तो हम इसकी बाय करें। मेरे पास आपके टोकन भी पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ स्टाफ मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, किसी के पास 3 टोकन है, किसी के पास 4 टोकन है, तो आप सब लोग नीचे का रेट देख रहे हैं। मेरे भाई जो आप ग्रुपों में देख रहे हैं या पास हिस्ट्री देख रहे हैं कि रमज़ान में फाइल्स जो हैं वो नीचे अमूमन होती हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है हो सकता है ना हो। मैं आपसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूँगा, आपने 3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है और इसके लिए यहाँ पे 25-50 हज़ार या लाख ना देखें। नीचे जा सकती है, जितना नीचे जा सकती है उससे 3 गुना ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर चली जानी है। आप सब ने इसको मिस कर देना है, बाद में आपने मुझे ब्लेम करना है कि टाइम से लेके नहीं दी, मुझे कहना है जी टोकनों पे गेमें लोग कर लेते हैं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा बाइंग जो है वो स्टैंड बाई पे पड़ी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं कि ये कहां पे यार के ये रुके तो हम इसको बाइंग करें। बाइंग लोग अक्लमंद लोग कर रहे हैं, वो 44 पे भी बाई कर रहे हैं, वो 45-85-95 पे भी बाय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट में मैं कभी इस तरह का मैसेज नहीं छोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है इसने जंप मार जाना है, आपने मिस कर जाना है। आपने इतनी एफर्ट की, मनी रेडी की, टोकन दिए और अब आप 5-5 हज़ार जो है वो नीचे फाइल को देख रहे हैं, आप मिस कर जाएंगे। मैंने ज़ाती फाइल लेनी हो ना तो इस पॉइंट पे मैं 1 सेकंड में डबल माइंड नहीं होऊंगा। मुझे 44 पे मिलेगी मैं लूँगा, मुझे 45 की मिलेगी मैं लूँगा, ठीक है, और लेके मैं छोड़ दूँगा। मैं यहाँ पे 5-10 हज़ार के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। वी आर टेकिंग ह्यूज चांस। ग्रुप्स में लोग जो जितने भी कंपेन चला रहे हैं कि जी ये 40 की हो जानी है, ये फलाना हो जाना है, ये डिंगना हो जाना है, सारे बायर हैं, सारे ही बायर हैं, ठीक है। जिसकी होल्डिंग हो वो कभी कोई पागल बंदा है कि अपनी होल्डिंग को कहे कि ये 40 की हो जाएगी, ये सारे बंदे नीचे बाय करना चाह रहे हैं और मुल्तान बाय करना चाह रहे हैं, और इनमें अक्सर के हमारे पास टोकन पड़े हुए हैं कि जी 5-10 हज़ार 25 हज़ार नीचे जो है ना मैं लेके दें, लेकिन वो रेट नीचे नहीं आ रहा, रेट ऊपर निकल जाना है, कल या परसों रेट इसके ऊपर चले जाने हैं। DHA ने कल या परसों या एक हफ़्ते में ये सारे एफिडेविट रोक देने हैं, फर्दर जो है 150 फाइल जो थी वो प्रोसेस हो रही थी वो भी ख़त्म हो जानी है। सारे डीलर टोकन हाथ में लेके वेट कर रहे हैं कि नीचे को फाइल मिले तो उसको लॉक करें। लाहौर में, मुल्तान में, मेरा बंदा मुल्तान में बैठा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास टोकन्स पड़े हुए हैं लेकिन फाइलें नहीं को कमिट कर रहा हमसे जो है ना, हम 30-43-85 में मेरे पास टोकन पड़े हैं, लाएं फाइलें जिसके पास हैं, कॉल करें हमें, हमें हमारे पास टोकन है, फौरी डील होगी, फौरी पेमेंट होगी, कल होगी, ठीक है, नहीं दे रहा कोई भी फाइल 43-85 पे या 43-90 पे। सब बातें कर रहे हैं, सारे डीलर खुद जो है उनकी कोशिश है कि दिहाड़ी लगाएं, और कुछ डीलर इस तरह बातें फैला रहे हैं कि जी बड़ी फाइलें हैं, ये है वो है, कोई फाइलें नहीं है, हम बैलेट की तरफ जा रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मिड जून में आपको जो है अनाउंसमेंट मिलेगी कि बैलेट आ रहा है, और अगस्त के पहले या दूसरे वीक में आपको बैलेट होता हुआ नज़र आना मुल्तान में। लो साइड रिस्क बिल्कुल होता है, हर इन्वेस्टमेंट में होता है, इस इन्वेस्टमेंट में भी अगर आज 44 की आप लें तो आपका डाउन साइड रिस्क ये है कि आपकी फ़ाइल टेम्परेरीली हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए हो सकता है 42 को टच कर जाए। आपको 42 पे फाइल नहीं मिलनी, ये मैं आपको लिख देता हूँ। आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग जो है ना वो मार्केट में करोड़ों रुपया लेके बैठे होते हैं,
वो टोकन कर लेते हैं फटाफट, उनको पता होता है कि ये प्राइस दोबारा हमें नहीं मिलनी, ठीक है। तो वो अगर नीचे फाइल जाती भी है तो आपको वो नहीं मिलती जो है ना, वो आप मिस कर देते हैं, बाद में फिर आप डीलरों को गालियां देते हैं। मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना बाय कर लें, आप नहीं कर रहे, नीचे फाइल जाएगी आपको मिलनी नहीं, आपने फिर कहना है कि जे डीलरों ने दिहाड़ी लगा ली है, ठीक है। बाद में सारा ब्लेम आप डीलरों पर दे देते हैं, खुद आप एक्शन नहीं करते, 5-5 हज़ार रुपये पर जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट रोक के बैठे हुए हैं। ये निकल जानी है, ये जब ऊपर गई ये 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख इसने एक एक दिन में बढ़ना है, फिर आपने उसके ऊपर भी लेनी है, फिर आपका जो ये जब 45 की होगी तो आप मिनते करेंगे कि आप मुझे फ़ाइल लेके दें फटाफट, ठीक है। 46 पे होगी फिर आपने और ज़्यादा पुश करना है कि फ़ाइल लेके दें, ये ऊपर निकल गई है, ऊपर निकल गई है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 जिस जिसकी भी लॉरी एस्टेट पर कोई डील पेंडिंग पड़ी हुई है मुल्तान की, उसको काइंडली जो रेट मार्केट का करंट है उस पर एक्सिक्यूट करवाएं, ट्रांसफर्स करवाएं। मैं इंडिविजुअली हर बंदे को नहीं कह सकता, और बहुत से लोग जो है ना इनडिसाइसिव हैं कि रेट नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे मिड रमज़ान तक, बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है ये नीचे जाए, और अगर जाएगी भी तो ये फौरी तौर पर रिबाउंड हो जाए, ऊपर आ जाएगी तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगा। फाइल यहाँ पर बड़ी देख के लेने वाली बनती है, इसमें जो है फाइल का जो है ना DHA ने ही इस तरह की चीज़ें कंप्लिकेट कर दिया है कि 2018 से पहले के जो एफिडेविट हैं जो ओपन जो थे उन पे फाइल अगर आप बनवाई जाए तो वो आपकी फर्स्ट बैलर में नहीं जाएगी। जो 2018 और 19 का लैंड DHA ने रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई हैं, जो एफिडेविट नए हैं वो फर्स्ट बैलर में जा रहे हैं। तो ये हमारा स्टाफ पूरा जो है ट्रेंड है इस मामले में कि कौन सी फाइल आपने बाय करनी है, तो बड़ी एहतियात उसमें करनी पड़ेगी। अगर गलत फाइल आप किसी से ले लेते हैं तो सेकंड बैलेट और फर्स्ट बैलेट में 5-7 लाख का आपको रगड़ा लग जाना है। तो ये बस आपने एहतियात करनी है कि फ़ाइल जो है वो आप सही लें, या एलोकेशन फ़ाइल लें जो कि 18 जनवरी 2019 से पहले की एलोकेशन बनी हो, या फिर एफिडेविट फाइल लें जिसकी रजिस्ट्री 2018 और 19 की हो और अभी उसका एलोकेशन बन रहा हो। कोई मज़ीद हेल्प चाहिए मुझे कॉल करें, मैं आपको गाइड करूं कि कौन सी फ़ाइल आपकी सही है। आप उसकी कहीं से भी ले रहे हैं मुझे उसकी एफिडेविट की कॉपी भेज दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि ये फ़ाइल फर्स्ट बैलेट में जाएगी कि नहीं जाएगी। DHA भी आपको रिटर्न में इन्फॉर्म कर देता है कि ये फ़ाइल आपकी फ़र्स्ट बैलेट में जाएगी, DHA रिसीट देता है उसकी। लाहौर एस्टेट से जो फ़ाइल आप बाय करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट बैलेट में जाएगी। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ सबको, जो भी लिसनर हैं सारे मेरे जो दोस्त हैं, कि हमारी इस तरह की तेज़ मूविंग में जो है ना ऑनेस्टली हम हमेशा काम करते हैं, लेकिन अपने बस में नहीं होता। रेट जब शूट करता है तो फिर पकड़ो पकड़ी हो जाती है, लोग मुल्तान में 5-5 हज़ार भी ऊपर ऑफर आती है तो भाग जाते हैं। उस तरह का काम नहीं है जिस तरह का हम सालों से लाहौर में करते आए हैं। यहाँ पे रेट ऊपर नीचे हो जाए तो लोग स्टैंड करते हैं, वहाँ पे भाग जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो गारंटी है आपको वो सिर्फ़ टोकन की है, टोकन के साथ टोकन की कोई गारंटी नहीं है किसी भी फाइल के लिए। जब इस तरह की तेज़ मूविंग मार्केट हो हमारे बस में ऐसा नहीं है, हम ऑनेस्टली काम करते हैं। आपको फाइल जितने की भी मिल रही हो हमारी कोशिश होती है कि सस्ती से सस्ती आपको लेके दें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन उस पे पेनल्टियाँ देना जो है ना वो हमारे बस की बात इस वक्त नहीं है। आपकी चॉइस है, आप कंडीशनल टोकन दे के वेट करें, आप कंडीशनल टोकन दे के देखते रहें कि नीचे आएगी तो लूँगा, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ना मिले। जैसा मैंने कहा नीचे का रिस्क जो है प्राइस का वो 42 तक जाने का है इन दी वर्स्ट केस, और ऊपर ये जो है विद इन दिस ईयर अगस्त में चली जाए सितंबर में चली जाए ये 75 के भी प्लॉट होंगे विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि लार्ज रोड के फेसिंग पार्क या कॉर्नर होंगे वो 75 लाख तक का भी होगा विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। मिनिमम प्लॉट 55 का होगा विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। तो फाइल जो इस वक्त जो है 44-45 की बार्गेन है, डोंट मिस इट प्लीज़, डोंट मिस इट। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, प्योर मिल्ट्री का प्रोजेक्ट है, कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेड मार्केट हमारी पूरी प्रॉपर्टी की और कंट्री की अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो इस जगह पे इस फाइल को लेके आई हुई है। अदर देन दैट डेवलपमेंट इज़ ऑन गोइंग, बहुत अच्छी क्वालिटी की डेवलपमेंट हो रही है, तेज़ डेवलपमेंट हो रही है,
हर चीज़ जो है इसकी फेवर में जाती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इतने पे चली जाएगी उतने पे चली जाएगी, ये लोग सारे बायर हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारे बायर हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका और कोई मकसद नहीं है। उनका ये मकसद नहीं है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएं। चली जाएगी, फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पे आप उन पे यकीन कर भी लेते हैं, 40 पे चली जाएगी तो क्या होगा? बैलेट के बाद क्या 40 पे रहेगी? ठीक है ना, इस तरह के लोगों की बातों में ये सारे जो हैं खुद बाहर हैं और कोशिश करते हैं कि उनका कोई लाख दो लाख बच जाए, इस तरह की दो नंबरियाँ करके बच जाए। डीलरों को ब्लेम करते रहते हैं कि डीलर ये करते हैं डीलर वो करते हैं, सारा दिन ये खुद लोग ग्रुपों में इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो प्लीज़ जो है ना, चक्करों में ना आए, अपना जहन इस्तेमाल करें। मैंने लॉजिक से बात की है, रीज़न दिया आपको, उसके रीज़न की बेस करते हुए मुझे बताएं कि क्यों चली जाएगी, ठीक है, और क्यों नीचे रहेगी, कहाँ तक रहेगी? अगर 40 पे चली जाती है तो कब तक रहेगी? मे बी एक घंटा, मे बी एक दिन, मे बी एक हफ्ता मैक्सिमम है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चौधरी मुजाहिद यासिन, लाहौर रियल एस्टेट, +92 322 492 2992। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +92 322 492 2992 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं, नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की ना चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।